दोस्तों मैं मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ। आप लोग दोस्तों मैजिक मैनेजर 23.0 जो है उसको पहले डाउनलोड कर लीजिए जिप फाइल को। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली पहले जाके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोग किसी भी मेमोरी या पेन ड्राइव में लगा लीजिए, अपना मोबाइल का साथ कनेक्ट कर लीजिए। उसका बाद दोस्तों आप लोग जब मेमोरी या पेन ड्राइव आप लोग कनेक्ट कर लेंगे तो दोस्तों इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे नीचे सेलेक्ट स्टोरेज जो है उसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों हम माइक्रो एसडी कार्ड में रखा है तो इसीलिए हम माइक्रो एसडी कार्ड को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ओके कर देती हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम इस फोल्डर पर रखा हूँ, इस फोल्डर पर हम टिक मार्क लगा लेती हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम मैजिक मैनेजर 23.0 जो है उसको इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो दोस्तों इसका ऊपर हम क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्वाइप कर देती हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को कुछ समय वेट करना पड़ेगा ये इंस्टॉल होने तक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा जो मैजिक मैनेजर है वो इंस्टॉल हो गया है। आप लोग को यहाँ पे मस्ट बी रीबूट सिस्टम पर क्लिक करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप लोग को आपका जो मोबाइल है इसमें आप लोग वाईफाई या आप लोग सिम लगा लीजिए, नेट कनेक्ट कर लीजिए पहले आपका जो मोबाइल है उसमें। यहाँ पे देखिए हम दोस्तों नेट को कनेक्ट कर लिया। अभी दोस्तों आप लोगों को दिखाएंगे हम जो मैजिक मैनेजर को इंस्टॉल किया था जीप फाइल को वो यहाँ पे आया या नहीं आया, हम आप लोगों को अभी दिखा दे दी। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मैजिक फाइल जो है वो आ गया है। अभी दोस्तों इसको अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने के लिए दोस्तों उसका ऊपर आप लोग सिंपल सा क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। अभी दोस्तों यहाँ पे सेटिंग का ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को 10 सेकंड वेट करना है। यहाँ पे आप लोग को जरूर वेट कीजिए और यहाँ पे टिक मार्क लगा के यहाँ पर ओके कर दीजिए और यहाँ से बैक जाइए। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरा जो मैजिक फाइल है वो इंस्टॉल हो गया है। अभी दोस्तों मैं आप लोग को इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मैजिक मैनेजर जो है वो इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अगर दोस्तों आप लोग इसको इस ऐप को अपडेट कर देते हैं, अपडेट करने के बाद यहाँ पे 24.3 हो जाएगा। अगर दोस्तों 24.3 हो गया तो दोस्तों आपका रूट में प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए आप लोग इसको अपडेट मत कीजिए। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से Redmi Note 9 Pro में आप लोग मैजिक मैनेजर को इंस्टॉल करके अपग्रेड कर सकते हैं।